मयोरपुर के ईदगाह पर आज बकरीद के त्यौहार पर मुस्लिम बंधुओं ने बड़ी ही अकीदत के साथ बकरीद की नमाज अदा कर भारत देश में अमन चैन की दुआ मांगी। मयोरपुर मस्जिद के इमाम आशिक हुसैन ने बकरीद की नमाज अदा कर भारत देश में अमन चैन की दुआ मांगी। अल्लाह ताला के आगे अर्जी लगाकर कहा कि हम मुस्लिम हिंदू भाइयों में हमेशा भाईचारा बना रहे, हमारा देश बुरी ताकतों से बचा रहे, देश के तमाम लोगों की तमाम मुश्किलों का हिफाजत कर हमारे देश में अमन चैन का बोलबाला हो। परवरदिगार से अर्जी लगाई। मस्जिद के इमाम ने कहा कि आज से कई हज़ार साल पहले अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की थी, उसी कुर्बानी की याद ताज़ा करने के लिए बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बकरीद पर तमाम बुराइयों का कुर्बान कर देना छोड़ देना है, किसी का हक नहीं मारना है। इस्लाम तमाम हकदारों को हक देने का काम करता है और ये सबब देता है कि तमाम लोग अपने अंदर से हर तरह की बुराइयां अपने अंदर से निकाल दें तो हमारा देश में फिर से अमन चैन आ जाएगा। नमाज अदा कर हिंदू मुस्लिम बंधुओं ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद देकर हिंदू मुस्लिम एकता कायम। आज बकरीद का त्यौहार था, इस त्यौहार पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि ये आज की तारीख मजहब इस्लाम के लिए बहुत ही अच्छी तारीख है। इसी तारीख को हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपने बेटे को राह खुदा में कुर्बान कर दिया था। हम उस मौके पे हम संदेश ये देना चाहते हैं कि इसी तरह हम लोगों को तमाम देशवासियों को तमाम बुराइयों को ज़िबह कर देना चाहिए, जिस तरह के जानवरों को ज़िबह किया जाता है, और आपस में तमाम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।